हेलो गाइज, वेलकम बैक टू रवि क्रिएटिव जंक्शन। तो फ्रेंड्स, दाखिल खारिज को अब नहीं होगी देरी। अधिकारियों को मिला निर्देश, पूरी जानकारी को बताऊंगा। लेकिन उससे पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, अब तक अपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, ताकि जो भी ऐसे लेटेस्ट अपडेट हो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। तो वीडियो को बिना देर के शुरू करते हैं। मैं बता दूं आपको कि बिहार में जमीन विवाद अब सुलझेगा। नीतीश सरकार बिहार में दाखिल खारिज से जुड़ी समस्या को लेकर काफी एक्टिव है। इससे लापरवाही बरतने वाले पर सख्त कार्रवाई करने की बात कही गई है और सरकार ने विवादों को निपटाने के लिए अधिकारियों को सख्त निर्देश जारी किया। अकेले पटना जिले में ही दाखिल खारिज को लंबित मामले की संख्या 78,885 है, जो कि 30,135 आवेदन 21 दिनों से अधिक तथा 39,142 जो है कि आपको आवेदन 63 दिनों में से अधिक समय लंबित है। जिला अधिकारी चंद्रशेखर सिंह ने राजस्व मामले की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि दाखिल खारिज एवं परिमार्जन के आवेदनों का निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत निष्पादन कराए, अन्यथा अनुशंसात्मक एवं विभागीय कार्रवाई भी की जाएगी। आपको तो मैं आपको बता दूं कि अधिकारियों को मिला है 10 दिनों का समय। सभी भूमि सुधार उप समर्थक को निर्देश दिया गया है कि अपने क्षेत्र अंतर्गत सभी अंचलों को निरीक्षण करें एवं राजस्व कार्य को अनुसरण करें और सरकार को निर्देश का अक्षरांश अनुपालन सुनिश्चित कराए। जिलाधिकारी ने कहा कि अधिकारियों को अपने अपने कार्यों में सुधार लाने की 10 दिनों का समय सीमा दिया गया है। इसमें सुधार नहीं आया तो दोषी अधिकारियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। राजस्व संबंधी मामले की साप्ताहिक समीक्षा की जाएगी। जिला स्तर से टीम बनाकर एक हर अंचल को निरीक्षण कराया जाएगा। लंबित सबसे पुराने मामलों की समीक्षा की जाएगी। अगर कोई अनियमितता उजागर होती है तो राजस्व कर्मचारी एवं अंचलाधिकारी के विरोध कार्रवाई की जाएगी। भूमि सुधार उप समाहर्ता के न्यायालय का कार्य का भी समीक्षा होगी। तो मैं आपको बता, जिलाधिकारी ने यह निर्देश दिया है कि जिलाधिकारियों ने अंचल अधिकारियों को 90 दिनों के अधिक समय से अतिक्रमण लंबित मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निष्पादित करने का निर्देश दिया है। बैठक में खारिज दाखिल खारिज एवं प्रबंधन को निष्पादन करने का भी मामला को जो है आपको सख्त निर्देश दिया है। तो ये जानकारी कैसा लगा बिहार सरकार का, कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद।